किलर कोरोना के चलते पूरे देश में लॉकडाउन है। भिवानी की बात करें तो भिवानी में दो पॉजिटिव केस थे जिनके ठीक होने के बाद बड़ी राहत की सांस ली जा रही थी, लेकिन एकाएक एक नया केस आने के बाद जो है भिवानी में भी हड़कंप मच गया। हरियाणा में कोरोना महामारी के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। जहां कुछ दिन पहले भिवानी कोरोना मुक्त हो गया था, तो वहीं एक मामला सामने आने से इलाके में हड़कंप मच गया। दरअसल गुरुग्राम में जेल वार्डन की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है। ये वार्डन भिवानी के रोनाथ गांव का निवासी है। मिली जानकारी के अनुसार ये 9 अप्रैल को छुट्टी पर आया था और 16 अप्रैल को इसे वापस जेल भेज दिया गया था, लेकिन बाद में तबीयत बिगड़ने के चलते जब टेस्ट किए गए तो 18 अप्रैल को जेल वार्डन की रिपोर्ट पॉजिटिव आई। मामले की जानकारी देते हुए कोविड 19 के जिला कोऑर्डिनेटर डॉक्टर राजेश कुमार ने बताया कि भिवानी स्वास्थ्य विभाग ने मरीज के परिजनों को क्वारंटाइन कर दिया है। इन्फॉर्मेशन आई थी कि एक जेल डिपार्टमेंट का जेल वार्डन जो कि भोंडसी में तैनात था, आज कल ही जिसका केस सैंपलिंग होकर रिपोर्ट आई पॉजिटिव निकला है, और वो इत्तेफाक से भिवानी जिला का रहने वाला था। हमने सारी हिस्ट्री खंगाली तो वो 9 तारीख से लेकर 16 तारीख तक उनके गाँव में रोनात में ही रहा था। वही कोविड 19 के जिला कोऑर्डिनेटर ने लोगों से अपील की कि किसी तरीके की लापरवाही ना बरतें, क्योंकि किसी एक की गलती कई लोगों पर भारी पड़ सकती है। एहतियात के तौर पर उनकी मदर, वाइफ और उनके बेटा बेटी को हम यहाँ लेकर आए हैं जिनकी हम सैंपलिंग करा रहे हैं, और जब तक सैंपलिंग की रिपोर्ट नहीं आती है हम उनको आइसोलेशन में रखेंगे। नए मामले जो आ रहे हैं वो कहीं ना कहीं लापरवाही की वजह से आ रहे हैं। ऐसे लापरवाही न बरते, सरकार और स्वास्थ्य विभाग के दिशा निर्देशों की पालना करें, लॉकडाउन की पालना करें, अपने घरों में रहें, सुरक्षित रहें, तभी जाकर जो है किलर कोरोना पर विजय प्राप्त की जा सकती है।